नमस्कार मित्रों, मैं अनुप भाटिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज आपके साथ हाउस प्रॉपर्टी यानी मकान संपत्ति से रिलेटेड टैक्स प्लानिंग के विषय पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। देखिए, हम सब जानते हैं, रादर हम में से बहुत सारे लोगों ने होम लोन ले रखे हैं। हम उन होम लोन्स का रीपेमेंट करते हैं, उनके संदर्भ में जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड यानी आयकर अधिनियम से रिलेटेड लाभ होते हैं उन लाभों को भी उठाते हैं। परंतु कुछ हद तक एक क्लैरिटी का कहीं ना कहीं अभाव है, जिसकी वजह से हमारी जो प्लानिंग होती है वो गलत होती है। और उस प्लानिंग को किस प्रकार से सही किया जा सकता है, मैं यहाँ पर वो सजेशन देने की भी कोशिश करूँगा। देखिए, कई बार हमें क्वेरीज आती हैं, मैं उन क्वेरीज के माध्यम से आपके समक्ष शायद उस प्लानिंग को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर पाऊं। कि मेरे एक मित्र ने मुझे कहा कि भाटिया जी, मेरी माताजी के नाम मकान है, यानी मेरी मदर के नाम मकान है, मैं इस मकान के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं और मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, उसके लिए एक होम लोन ले रहा हूं। जो होम लोन फाइनेंस वाली कंपनी है वो कह रही है कि साहब, आपकी मदर को हम को एप्लीकेंट बना लेंगे लोन में, इनकम आपकी बेस में आ जाएगी, प्रॉपर्टी उनकी है इसलिए उनको साथ में को एप्लीकेंट बना करके हम होम लोन कर देंगे, आप इनकम टैक्स बेनिफिट ले लीजिएगा। अब यदि किसी व्यक्ति ने इस व्यवस्था के अंदर एक होम लोन लेकर के और ऐसे होम लोन के इंटरेस्ट प्रिंसिपल का डिडक्शन क्लेम किया, तो क्या ऐसे इंटरेस्ट प्रिंसिपल का डिडक्शन इनकम टैक्स अधिनियम यानी आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार उस व्यक्ति को क्या वास्तव में स्वीकार्य भी है या नहीं है? तो देखिए सर, हाउस प्रॉपर्टी के लिए जब हम टैक्सेशन में जाते हैं तो लॉ बड़ा क्लियर है कि यू मस्ट बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब इस उदाहरण में ये व्यक्ति जो मेरा मित्र है वो तो ऑनर ही नहीं है, प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं है। ऑनर तो कौन है साहब? उनकी मदर है। और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का भुगतान कौन कर रहे हैं? मेरे मित्र, जो कि उसके ऑनर ही नहीं है। तो किस प्रकार से वो इनकम टैक्स में इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं? मेरी बड़ी स्पष्ट राय है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सो पेड बाय हिम। तो सब ये तो गलत हो गया, ऐसे तो बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं। तो सर देखिए, लॉ के हिसाब से आप जब तक प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं हैं, आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के संदर्भ में चाहे लोन क्यों ना ले लें और इंटरेस्ट प्रिंसिपल का भुगतान क्यों ना कर दें, आयकर अधिनियम के अनुसार आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की छूट मिलने योग्य ही नहीं। तो फिर इसका उपाय क्या? या तो मेरी ओपिनियन में, मेरे इस मित्र के उदाहरण के केस में, उनकी मां उनको संपत्ति के या उस संपत्ति के किसी भाग के कोई राइट या उस राइट पर किए गए कंस्ट्रक्शन के ऑनरशिप के अधिकार यदि किसी गिफ्ट डीड से दे देती हैं, तो यह बिल्कुल एक लीगल तरीका होगा जिसके अंतर्गत आप उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का डिडक्शन इनकम टैक्स के पर्पजेस से क्लेम कर लें। तो ऑनरशिप एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके बिना आप यदि इंटरेस्ट प्रिंसिपल का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आपके ऐसे इंटरेस्ट प्रिंसिपल को कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निश्चित रूप से डिनाई कर सकता है, यानी मना कर सकता है उन लाभों को जो आपने बेनिफिट क्लेम किए हैं, उनको गलत सिद्ध कर सकता है। अब इसी प्रकार से कभी कभी हमसे ऐसी भी क्वेरी आती है कि दो भाइयों ने मिलकर के एक प्रॉपर्टी पर लोन ले लिया, पिताजी को एप्लीकेंट बना लिया, ऑनरशिप पिताजी की है और वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का भुगतान वो दोनों भाई कर रहे हैं और डिडक्शन लेना चाह रहे हैं। अब मैं दो क्वेरीज ला रहा हूं। पहला, क्या पिताजी की संपत्ति पर जब इन दो भाइयों ने होम लोन लेकर के ईएमआईस का भुगतान अपने खातों से शुरू कर दिया, तो क्या वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल का डिडक्शन ले सकते हैं? मेरी पहले उदाहरण के अंदर ही मैं ऑलरेडी उत्तर दे चुका हूं कि नहीं, क्योंकि वो दोनों ऑनर ही नहीं है। जब तक ऑनरशिप नहीं आएगी, मूल और ब्याज का भुगतान उनके लिए आयकर में कटौती योग्य नहीं है। अब दूसरी बात, मान लीजिए उनके पिताजी ने हमारे सजेशन अनुसार उनको इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के लिए क्लेम करने के लिए कुछ ऑनरशिप राइट्स दे दिए। अब ये दोनों भाई कह रहे हैं कि साहब देखो, 30,000 की किस्त आती है, बड़े भैया 20,000 दे रहे हैं, छोटे भैया 10,000 दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट और मूल का जो प्रपोर्शन है इनकम टैक्स के पर्पजेस से वो आधा आधा होगा, या क्योंकि एक 20,000 दे रहा है और एक 10,000 दे रहा है तो वो 2:1 हो जाए?
और ऐसा ही उदाहरण सर एक हस्बैंड वाइफ के केस में भी हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी को हस्बैंड वाइफ ने ज्वाइंटली परचेज किया, 40,000 रुपये महीने की ईएमआई है, जो वाइफ है वो 30,000 का किस्त दे रही है, हस्बैंड 10,000 का किस्त दे रहे हैं, तो क्या वो दोनों आधा आधा ही क्लेम करें? या किसी परिस्थिति में 3:1 का कोई प्रपोर्शन लागू किया जाए? तो मुझे ऐसा लगता है सर कि आप जिस प्रपोर्शन में ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं उस प्रपोर्शन में आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का डिडक्शन लेना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। हालांकि लॉ इस बारे में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं करता, परंतु लॉ ये कहता है जो आपने इंटरेस्ट का भुगतान किया, जो मूल का भुगतान किया और आपकी ऑनरशिप है, तो आप डिडक्शन ले लीजिए। तो सही तरीका आधा आधा करना नहीं है, सही तरीका ये देखना है कि किसने कितना मूल, किसने कितना ब्याज का भुगतान किया और अकॉर्डिंगली उसको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाए। तो हाउस प्रॉपर्टी के संदर्भ में ये दो क्वेरीज जो मैंने आपके सामने रखी, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं प्रिवेल करती है मार्केट में और इनके ऊपर कुछ कंफ्यूजन है जिनको हमारे को इस प्रकार से डील करना चाहिए। अब इसके अलावा मैं एक प्रावधान और आपके सामने रखना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि बजट 2017 में भारत सरकार ये कहा है कि आप जो संपत्ति ले रहे हैं उससे आपकी जो इंटरेस्ट का भुगतान है वो निश्चित रूप से पहले से भी एक नेगेटिव फिगर बनता है। जैसे मेरा जिस मकान में मैं रहता हूं, लॉ कहता है सम एनुअल वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज जीरो, ठीक है, उसमें से मुझे डिडक्शन मिलना है स्टैंडर्ड 30%, जो लॉ बोल रहा है 24 क्लॉज ऑफ इनकम टैक्स है, जीरो का 30% इज जीरो। अब आया सर बात ब्याज का भुगतान, ब्याज का भुगतान निश्चित रूप से अलाउबल है और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर 2 लाख तक अलाउबल है, ठीक है सर, मैंने 2 लाख रुपए वो ले लिया। अब ये जो 2 लाख की लिमिट है, ये लिमिट क्या सभी प्रॉपर्टीज पर 2 लाख रुपए की है क्या? यहां सर ये बात समझना जरूरी है कि आपकी प्रॉपर्टी यदि रेंटेड है तो 2 लाख की लिमिट नहीं है, यानी इट कुड बी एनी अमाउंट, मे बी 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, व्हाटएवर। लेकिन यदि आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी जिसमें आप रहते हैं, वहां पर लिमिट 2 लाख रुपए। अब जो चेंज जिसकी मैं चर्चा आपसे करना चाहता था, जिसको बजट 2017 से किया गया है, वो ये है कि यदि आपके पास में हाउस प्रॉपर्टी में नेगेटिव इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा हो गई और आप किसी और हेड की इनकम से उस नेगेटिव इनकम को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आपको मैक्सिमम एडजस्टमेंट केवल 2 लाख रुपए तक का ही मिलेगा। तो ये बात को हमें ध्यान रखना जरूरी है कि अब वित्त वर्ष 2017-18 यानी असेसमेंट ईयर 18-19 ऑनवर्ड्स जो रिटर्न भरी जाएंगी, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट तो होगा, परंतु मैक्सिमम एडजस्टमेंट सर 2 लाख रुपए तक की ही सीमा तक किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सर जो कुछ पक्ष मुझे लगे कि मुझे ये आपके साथ डिस्कस करने चाहिए, ये मैंने आज के डिस्कशन में आपके साथ में लिए और मैं कोशिश करूंगा कि इसी प्रकार के किसी और मुद्दे पर यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं आपके साथ में भविष्य में और डिस्कशन करूं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा मेरी ओर से मैं उनका एक उपयुक्त निदान आपको सुझाव के रूप में, सजेस्ट के रूप में दे सकूं। धन्यवाद।